कैसे सबसे पहले तो शॉर्टेज है यहाँ पे हाउसिंग का क्योंकि आप ये देखो जो चौल वगैरह हैं या कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे शायद एक जना भी ठीक से नहीं रह सकता वहाँ पे पूरी पूरी फैमिली रह रही है सो द शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग फॉर द पुअर दिस लीड्स टू होमलेसनेस एंड ऑफ स्ट्रीट पीपल तो जिन लोगों को घर नहीं मिल पाता या जो घर अफोर्ड नहीं कर सकते वो फिर कहाँ पे रहते हैं स्ट्रीट्स पे रहते हैं स्ट्रीट के किनारे आपने अपने शहर में भी देख रखा होगा कि कुछ ऐसी स्ट्रीट्स होते हैं जहाँ पे लोग अपना छोटा झोपड़ी टाइप बना के रहते हैं सो दोज हु लिव एंड सर्वाइव ऑन द स्ट्रीट्स एंड फुटपाथ्स अंडर ब्रिजेस एंड फ्लाईओवर दे अबेंडेंट बिल्डिंग एंड अदर एमटी स्पेस सो इट इज ऑल्सो द लीडिंग कॉज ऑफ एमरजेंसी ऑफ स्लम्स तो हाउस की अवेलेबिलिटी ना हो पाना एक वन ऑफ द मेजर कॉज है वन ऑफ द लीडिंग कॉज है जिसकी वजह से स्लम्प्स बढ़ते जा रहे हैं सो दो ऑफिशियल डेफिनेशन वेरी स्लम का मतलब क्या है कि कंजेस्टेड ओवर क्राउडेड नेबरहुड विद नो प्रॉपर एंड सिविक फैसिलिटीज जहाँ पे ना सैनिटेशन है ना वाटर सप्लाई है ना इलेक्ट्रिसिटी है वगैरह वगैरह इससे पहले भी हमने एक बार एक चैप्टर में देखा था कि किस तरीके से जो हाई क्लास लोग हैं वो इन स्लम पीपल को पसंद नहीं करते हैं तो वो जो एग्जाम्पल हमें याद है कि हमने देखा था कि जो पार्क था कम्युनिटी ने अपने लिए बनाया था और पार्क के पीछे स्लम पीपल थे अब स्लम पीपल के पास डेफिकेशन की कोई जगह नहीं थी तो वहां पे एक व्यक्ति आया डेफिकेशन ओपन डेफिकेशन करने के लिए पार्क का यूज करने और उसको जान से ही मार दिया गया ये कहने के लिए कि ये तो यहाँ पे आके बीमारी फैलाएगा ये सब काम करेगा तो कितना ज्यादा डिफरेंस एक शहर के अंदर ही दो लोगों में क्रिएट हो सकता है ये हम कहाँ पे देखते हैं ये हम देखते हैं सो द होम्स मेड ऑफ ऑल काइंड ऑफ बिल्डिंग मटीरियल दे रेंज फ्रॉम प्लास्टिक शीट्स एंड कार्डबोर्ड्स टू मल्टी स्टोरीड कंक्रीट स्ट्रक्चर अब देखिए जो भी घर बनाए जाएंगे उसके अंदर प्लास्टिक शीट्स कार्डबोर्ड ये सब चीजें चीज यूज होंगी क्योंकि जो एबसेंस है एबसेंस ऑफ सेटल्ड प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द काइंड

बट इसको बहुत ज्यादा यूज किया कॉल्ड सिटी के दादा टाइप लोगों ने कि जी हम हफ्ता वसूली करेंगे हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे और इस जगह से क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ने लगा क्राइम एक्स्ट्रा लीगल एक्टिविटीज रियल इस्टेट रिलेटेड गैंग्स ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा इंडल्स हो गई सो वेयर एंड हाउ पीपल विल लिव इन सिटीज इज क्वेश्चन दैट इज ऑल्सो फिल्टर थ्रू सोशल कल्चर आइडेंटिटी एंड द रेजिडेंशियल एरिया अब देखिए कुछ फोटोज दे रखी है अ गर्ल लुकिंग आफ्टर द सिबलिंग एक लड़की वो अपने सिबलिंग का ध्यान रख रही है देखिए इस्लाम एरिया का ही कुछ फोटो टाइप दे रखा है आपको सी देन दिस इज कमर्शियल सेंटर सिटी के अंदर मतलब मॉल्स वगैरह में अगर आप ऐसे जी, ऐसे दिन में जाओ जहाँ पे जिस दिन मूवीज पे डिस्काउंट होता है या फिर जिस दिन कोई और बेटर डिस्काउंट चल रहा होता है तो उस दिन बहुत ही भीड़ रहती है अब तो खैर कोविड चल रहा है फिर वूमेन एट वर्क इन कॉटन फील्ड सो so, ये जो सारी चीजें हैं जो ये सब डिफरेंशिएट वगैरह हो रहा है तो ईच ऑफ दीज फंक्शन दे आ, या क्लास जो भी परफॉर्म करें, ऑफन ऑल्सो बाय रेस एथनिसिटी रिलीजियन एंड अदर सच वेरिएबल्स सो टेंशन बिटवीन सच आइडेंटिटी बोथ कॉज दिगेशन पैटर्न एंड ऑल्सो कॉन्सिक्वेंस तो बेसिकली ये लोग आ, क्या कह रहे हैं कि जो हाई क्लास है जो मिडिल क्लास है जो स्लम पीपल हैं ये अपने आप में आपस में काफ़ी डिफरेंस देखते हैं वो डिफरेंस को वो महसूस करते हैं जिसकी वजह से काफ़ी लड़ाई झगड़े मतलब कॉन्सिक्वेंस में काफ़ी सारी चीज़ें हो ही सकती है फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कम्यूनल टेंशन बिटवीन रिलीजियस कम्युनिटीज क्योंकि मोस्टली हम हिंदू मुस्लिम में देखते हैं एंड इट इन कन्वर्जन ऑफ नेबरहुड सिंगल कम्युनिटी वन तो वैसे हम सेक्युलर कंट्री हैं लेकिन फिर भी आपने मोस्टली देखा होगा कि जो हिंदू एरिया है उसमें मोस्टली हिंदू फैमिलीज रह रही हैं जो मुस्लिम एरिया है उसमें मोस्टली मुस्लिम फैमिलीज रह रही हैं क्यों क्योंकि ये रायट्स वगैरह की वजह से जो एक सिंगल कम्युनिटी का नेबरहुड है उसका कल्चर बढ़ता जा रहा है

उसका कॉलोनी का अपना गेट है उस गेट पे उनके अपने वॉचमैन बैठ रहे हैं वहाँ के उनका अपना स्पेशल वाटर सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है पुलिसिंग है सिक्योरिटी है बहुत सारी चीजें अब देखो वेरियस काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अर्बन देखो बस है कार है साइकिल है स्कूटर है समझ में तो फोटो आ रही है ना ये कौन बोला ये मजनू भाई का पेंटिंग लग रहा है फोटो है ये बहुत अच्छी सी और अब तो खैर और भी ज्यादा बहुत ही भीड़ रहती है अब तो रोड पे दिस इज शॉपिंग इन अ सिटी किस तरीके से शॉपिंग कर रहे हैं अह oh, मैडम क्या लेना चाहती हैं आप कुछ नहीं भैया कुछ डिस्काउंट वाला सामान दिखे आओ ओके सो ये शॉपिंग है नॉर्मल ये शॉपिंग है सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ये पिक्स हैं सो so, इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं इसका अगला पार्ट हम कव करेंगे अपनी अगली वीडियो थैंक यू